उम्मीद जीने की, उम्मीद कभी ना हार मानने की, उम्मीद आसमानों को छूकर उनसे भी आगे जाने की। उम्मीद की इसी कड़ी में हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जिनके फाउंडर और उनकी टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत और रिसर्च ने कैंसर जैसी गंभीर रोग को ठीक करने में क्रांति ला दी है और कैंसर से जूझ रहे लोगों को दर्द रहित स्वस्थ जिंदगी मिल रही है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने स्वस्थ जीवन की तरफ एक कदम और बढ़ाया है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस से मुक्ति पाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इस डिपार्टमेंट में उन मरीजों को पूर्ण रूप से ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें हर दो दिन में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कैंसर रोग के निदान के लिए देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। अब ऐसे रोगी जिन्हें हर दो दिन में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उन्हें डायलिसिस से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर में हम लोग बात करते हैं हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अजय हारिया सर से। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर में इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ पर फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर साहब खुद पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। आइए हम पता करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर और डिपार्टमेंट से अलग कैसे है। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस रूप में दुनिया या यूनिवर्स में, अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, तो वहाँ किस रूप में इसको जाना जाता है? नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने अभी एक रीनल केयर यूनिट अभी स्टार्ट की है। ये जो रीनल केयर यूनिट है, इसकी हमारी विशेषता ये है कि ये हमने एक हाइड्रोथेरेपी यूनिट यहाँ पर एस्टेब्लिश की है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जिस प्रकार से हम डायलिसिस हम करते हैं, हर दो से तीन दिन में हमें पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ये जो हाइड्रोथेरेपी यूनिट है ये अपने ग्रेविटेशनल रेसिस्टेंस सिस्टम पे ये काम करती है और हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है। पेशेंट को हम यहाँ दो से ढाई घंटे यहाँ पर हम लोग इस टब में रखते हैं और ये सेल्फ डायलिसिस करके और जो अंदर जो पॉइजनस जो सब्सटेंस होते हैं उसको यूरिन के द्वारा ये बाहर निकाल देती है और पेशेंट्स को डेली हम 2-2.5 घंटे रखते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे पेशेंट्स की किडनी स्वयं काम करने लगती है और पेशेंट एक कुछ समय के बाद में डायलिसिस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक क्वेश्चन और है कि जब हम देवी अहिल्या के डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की बात करते हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये अन्य डिपार्टमेंट से कैसे अलग है? हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। हमारे इस हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट किया जाएगा और उस इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी सर्कुलेशन किया जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन का यदि फ्लो बढ़ेगा तो किडनी ऑटोमेटिक हीलिंग उसमें हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर। और हमने एक पंच लाइन दी हुई है कि डोंट रिप्लेस रीग्रो, जिसके अंदर हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हम खुद उसको रीग्रो कर सकते हैं और हम कुछ ही समय के अंदर 4 से 6 महीने के अंदर वापस हम क्योरेटिव हम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं किडनी को। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अ केयर बियॉन्ड द केयर, एक आनंद नगर चितावद नेमावर रोड नवलखा इंदौर। कॉन्टैक्ट 9584040131, 0731408442, 4050693.